क्लास, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल, तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है उसके चारों चैम्बर जॉइंट डायस्टोल यानी रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इस कंडीशन में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ओपन होते हैं और राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम वेना कावा और लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। उसके बाद जो एट्रिया है वो कंट्रैक्ट होते हैं बिकॉज जो हमारा एसए नोड है वो जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल और एट्रियम जो है ब्लड को वेंट्रिकल्स में पुश करते हैं और एट्रियल सिस्टोल बिगिन होता है, यानी एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद ऐसे नोड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर करता है एवी नोड की तरफ जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमारा एट्रियम है वो रिलैक्स स्टेट में वापस आ जाता है और जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। नाउ वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकेंड फेज कहते हैं। इस केस में सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है वो फॉलो करता है सर्कुलेटरी पाथ। नाउ जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ जाता है और aorta लेके जाती है बॉडी टिश्यू की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स की तरफ, उस केस में वेंट्रिकल अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं और वापस से जो एट्रियम है वो रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा और वापस से ये दोनों जॉइंट डायस्टोल में आ जाते हैं। यही है क्लास हमारी कार्डियक साइकिल।